हाय दोस्तों, मैं मनोज सार, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैं आप लोग के सामने लाया हूँ। एनसीईआरटी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दोस्तों देख रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम का प्रकीत है वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा 1 घंटा मेरी एनसीईआरटी, अरे 20 मिनट तक ही मेरी एनसीईआरटी को बस देखिए, और डेली का डेली एनसीईआरटी को देखेंगे तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ, तो साथ में मेरा एनसीईआरटी और एमसीक्यू दोनों देखेंगे, तो इस जिससे आपको काफी फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में का पैटर्न अब अलग हो चुका है। क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप से पढ़ना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट पढ़ाई से अब आप लोगों का काम नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों इस एनसीईआरटी की जिस सीरीज को मैं शुरू किया हूँ, तो इसको आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आप लोगों के सामने सारी मतलब कि पीसीएस आरओ यारो, हाई कोर्ट आरओ यारो, जितनी भी मैटर है मैं सब आप लोगों को उपलब्ध करा दे रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ब्राजील हो गया है दोस्तों, अर्जेंटीना भी हो गया है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों से मिलकर ऑस्ट्रेलेशियाई कहा गया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ विशेष प्रकार की वनस्पति और वन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया केवल 4% भूमि ही खेती करती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी सीमित भूमि और जल संसाधनों का अच्छा उपयोग किया है। ऑस्ट्रेलिया पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पशुओं को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का औसत घनत्व तो बहुत ही कम है। अधिकतर जनसंख्या महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य धंधे कृषि और पशुपालन है, लेकिन फिर भी यहाँ के अधिकांश लोग नगरों में रहते हैं। इस महाद्वीप की संक्षिप्त भूमिका पढ़कर निश्चय ही तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठेंगे। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी संसार के अन्य भागों में भिन्न क्यों है? ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि देश क्यों है? लोगों ने अपनी भूमि और जल संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया? जनसंख्या कुछ ही क्षेत्रों में क्यों केंद्रित है? आगे के पृष्ठों में तुम्हें इस प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगला देखिए, यहाँ क्या है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया विश्व में, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के दुगने से अधिक है। यह पूर्णतः विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ग्लोब को ध्यान से देखने पर तुम्हें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में फैले महासागरों के नाम बताओ। ध्यान दो कि मकर वृत्त ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। पता करो कि ऑस्ट्रेलिया किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित बड़े द्वीप समूह का नाम बताओ। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया कहा गया। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया की खोज एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जैसे कुक ने सन 1770 में की थी। वह सिडनी पोताश्रय के निकट उतरा था। कुक ने यहाँ की अनुकूलतम जलवायु को देखकर विचार किया। उसके देशवासी इस नई भूमि पर आकर बसते थे। यह देश 6 स्वशासी राज्यों तथा 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बंटा था। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताओ। मानचित्र में प्रत्येक राज्य की राजधानी का नाम ज्ञात करो। यहाँ देखिए भूमि, ऑस्ट्रेलिया की भौतिक मानचित्र को देखो। ऑस्ट्रेलिया को हम 3 मुख्य भौतिक भागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि तथा पूर्वी उच्च भूमि। पश्चिमी पठार देखिए, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है। यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला है। कहीं कहीं सामान धरातल से ऊपरी उठी हुई इक्की दुक्की पर्वत श्रेणियां दिखाई पड़ जाती है। पठार का अधिकतर भाग यहाँ देखिए मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। इसका अधिक भाग सपाट है, छोटी छोटी झाड़ियां से ढका हुआ है। अगला देखिए, भारत के दक्कन पठार की भांति यह पठार पुरानी चट्टानों का बना है। यहाँ खनिजों के बड़े भंडार हैं। लोवेस्ट सोना यहाँ के प्रमुख खनिज है। अगला देखिए, मध्यवर्ती निम्न भूमि पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है। यह उत्तर में कार्पेंट्रिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट तक फैला है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 150 मीटर से कम है। आयर झील के निकट का क्षेत्र तो समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। अगला देखिए, इस निम्न भूमि प्रदेश में कुछ नदी द्रोड़ियां हैं। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिण भाग से होकर बहती है। निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियाँ समुद्री तक नहीं पहुँच पाती हैं। इनमें से अधिकतर नदियाँ अंतःस्थलीय झीलों में
गिरती है। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयकर झील के चारों ओर एक बहुत बड़ा भाग अंतस्थली अपवाह क्षेत्र है। अगला देखिए, वर्षा की कमी के कारण निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही शुष्क, सौभाग्य से कुछ कुछ जल उत्सुत कूपों से मिला जाता है। ये कूप बहुत गहरे खोदे जाते हैं। इन गहरे कुएं से पानी निरंतर और अपनी बड़ी वेग से बाहर निकलता रहता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि पूर्वी उच्च भूमि ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट के लगभग समांतर फैली है और इसका विस्तार उत्तर में केप यार प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है। यह ऊंचे उठे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। उत्तर में ये श्रेणियाँ चौड़ी तथा कम ऊंची है, किंतु दक्षिण में ये सक्रिय ऊंची है। कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2234 मीटर है और इस क्षेत्र में कुल पर्वत शिखर शीत ऋतु में बर्फ से ढके जाते हैं। पूर्व में प्रशांत महासागर की ओर उच्च भूमि का खड़ा ढाल है, परंतु पश्चिम में मध्यवर्ती निम्न भूमि की ओर ढाल मंद है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां छोटी तथा तेज बहने वाली है। महाद्वीप की आंतरिक भागों में पहुंचने के लिए इन नदियों की घाटी से होकर रेल मार्ग और सड़कें बनाई गई हैं, क्योंकि घाटियों से होकर मार्ग बनाना आसान होता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टानों की बहुत चौड़ी दीवारें जैसी हैं जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। संसार प्रसिद्ध एवं प्रवाल भित्ति की लंबाई 1900 किलोमीटर से अधिक है। तट से इसकी निकटतम दूरी 38 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 240 किलोमीटर है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। प्रवाल एक प्रकार की छोटी समुद्री जीव से होता है जो समुद्र की तली के चट्टानों से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल से ही अच्छी तरह पनपते हैं। प्रवाल जीवों के मरने पर उनके अस्थि पंजर अपने स्थान पर जमे रहते हैं और नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म लेते हैं। प्रवाल के अस्थि पंजरों की इस विशाल जमाव को प्रवाल भित्ति कहते हैं। जलवायु देखिए, ऑस्ट्रेलियाई दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अतः यहाँ की ऋतुएं उत्तरी गोलार्ध की ऋतुओं के विपरीत होती हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारे देश में ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं तब ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। जब हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु होती है तब ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी दक्षिण पश्चिमी भागों में समुद्र की ओर चलती है। अगला देखिए, परिणाम स्वरूप इन भागों में भारी वर्षा होती है। पूर्वी उच्च भूमि वर्षा करने वाली इन पवनों के लिए एक रुकावट है, इसलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत कम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती पश्चिमी भागों के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत कम बिल्कुल नहीं होती है। अतः ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट की जलवायु भूमध्य सागरीय है। इस प्रकार की जलवायु का क्या विशेषता है? तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं से पूरे साल पर्याप्त वर्षा होती है। अगला देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवने वर्षा से होती है। ये पवने ऋतुओं की बदलने के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेती है। यह क्षेत्र शीत ऋतु में शीतल तथा शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में उष्ण आर्द्र रहता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया की भूमि जलवायु का प्रभाव इसके प्राकृतिक संसाधनों के वितरण पर पड़ा है और इनके विषयों में तुम अगले पाठ में पढ़ोगे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया साधन और उनका उपयोग। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक साधन संपन्न देश है। यहाँ वन और वन्य प्राणी तथा खनिज साधन बहुत है, लेकिन यहाँ जल संसाधनों की कमी है। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की सहायता से ऑस्ट्रेलिया वासियों ने इन साधनों का अच्छा उपयोग किया है। ऑस्ट्रेलिया आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाता है। वन और घास भूमियां। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत लंबे समय तक संसार की अन्य भूभागों से अलग रहा है। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति जीव जंतु संसार की अन्य भागों की वनस्पति जीव जंतुओं से बहुत भिन्न है। यूकोलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का समान वृक्ष है। ये सदाहरित वृक्ष और इन्हें प्राय गम वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। यूकोलिप्टस वृक्ष की कुछ किस्में 90 मीटर तक ऊंची होती है और कुछ की ऊंची ऊंचाई 4 से 5 मीटर होती है। जारा और करारी नामक यूकोलिप्टस की किस्मों में मूल्यवान इमारती लकड़ी मिलती है। कुछ यूकोलिप्टस के पेड़ों से तेल प्राप्त होती है। वैटल ऑस्ट्रेलिया का समान वृक्ष है। यह वृक्ष काफी ऊंचा होता है। ग्रीष्म ऋतु में इस पर सुनहरे रंग के फूल आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा की मात्रा प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को नियंत्रित करती है। तटीय क्षेत्रों में जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं शुष्क भीतरी भागों में घास झाड़ियाँ ही उगती है। ऑस्ट्रेलिया की वर्षा और वनस्पति देखने वाले मानचित्रों की अध्ययन करो। उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र वन प्रदेश
इन वनों में ताड़, बांस, बुर्ज और देवदार वृक्ष बहुतायत से मिलते हैं। शीतोष्ण वन तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी में भाग में पाया जाते हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष यूकोलिप्टस हैं। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया में घास भूमि दो प्रकार की है, उष्णकटिबंधी तथा शीतोष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी घास भूमिया उत्तर में फैली है, इन्हें सवाना कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधी घास भूमि मर्रे और डार्लिंग नदियों की द्रोड़ी में फैली है, जहाँ इन्हें डाउन्स कहते हैं। यहाँ की भूमिया चारागाही कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया की अर्धशुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रूश मुलगा पौधे हैं। नागफनी और कांटेदार घास अधिक सूखे भाग में उगते हैं। वन्य प्राणी, ऑस्ट्रेलिया की अनेक जंतु मार्सुअल अथवा धानी प्राणी वर्ग के इन जंतुओं के पेट के पास खाल की थैली जैसी बनी होती है, जिसमें ये अपने बच्चों को आसानी से उठाए फिरते हैं। कंगारू और बेल्लाबी धानी प्राणी वर्ग के प्रमुख जानवर हैं। कंगारू घास और पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक बन गया है। कोल ऑस्ट्रेलिया की धनी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। अपनी चपटी चौड़ी और काली नाक के कारण यह खिलौने वाला भालू जैसा लगता है। कोला पेड़ पर रहता है और यूकोलिप्टस के वृक्षों की पत्तियां खाता है। यह रात को जगता है तथा दिन के समय उगता और सोता रहता है। यह डिंगो नामक की जंगली कुत्ता भी पाया जाता है। प्लेटिनम संसार का सबसे विचित्र जंतु है। पशु पक्षियों को मिश्रित लौड़ों वाला यह जीव पानी के अंदर जीवित रह सकता है। भूमि पर चलता फिरता और जमीन के अंदर लंबी सुरंगें खोद लेता है। चार पैरों वाला यह जीव पक्षियों की तरह अंडे देता है। एमू, कोकरबा और लायबर्ड ऑस्ट्रेलिया के कुछ विचित्र पक्षी हैं। इसमें एमू बड़े आकार का पक्षी है, यह उड़ नहीं सकता है, परंतु अफ्रीका के शुतुरमुर्ग की भांति तेज चाल से दौड़ सकता है। और कोकबारा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बोली विचित्र हंसी लगती है। लायर बर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। यह नकल करने में बड़ा ही कुशल है। दूसरे पक्षियों के गाने कुत्ते के भौंकाने और गुजरती हुई कारों के हार की आवाज़ों को भी नकल कर लेता है। फसलें, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़े भाग में वर्षा बहुत ही कम वर्षा होती है, अतः देश के केवल 10% भूभाग पर ही खेती होती है। अधिकतर खेती देश के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी तटीय भाग में होती है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ वर्षा पर्याप्त नहीं होती है, वहाँ किसानों की सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ की बड़ी नदियों पर अनेक बांधे बनाई गई है, इनसे पानी नहरों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी भारत का एक ही कृषि प्रधान देश है। यहाँ अत्यधिक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती की जाती है। यहाँ की अधिकतर भूमि समतल है, खेत बड़े बड़े हैं, इससे मशीनों का प्रयोग भी सुविधाएं होती हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए खेती की अधिकतर काम मशीनों से काम करना भी जरूरी हो गया है। गेहूँ ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। न्यू साउथ वेल्स पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गेहूँ के मुख्य उत्पादक राज्य है। इसे देश से गेहूँ बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। जौ, जई, मक्का यहाँ की खाद्य फसलें हैं। चावल सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना, तंबाकू, कपास मुख्यतः क्वींसलैंड में पैदा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विविध प्रकार के उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय फल पैदा किए जाते हैं। अन्नास, केला, पपीता उत्तर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं। सेब, संतरे, अंगूर दक्षिण के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं। भेड़ पालन, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। भेड़ों को मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ कम घास या शुष्क झाड़ियाँ खाकर जीवित रह सकती हैं। मरे डार्लिंग नदियों के बीच फैले क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ। यहाँ की मरीनो जाति की भेड़ पाली जाती है, जो सबसे अच्छी होती है। इन भेड़ों में सबसे अच्छी ऊन मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों के बड़े बड़े फर्मा पाले जाते हैं। इन बड़े फर्मा को भेड़ पालन केंद्र कहते हैं। एक परिवार में कुछ मजदूरों की मदद से भेड़ पालन केंद्रों को चलाते हैं। इन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। यह भेड़ों को चराते हैं और घायल भेड़ों की देखभाल करते हैं। साथ ही भेड़ों को डिंगो नामक कुत्तों से जैसी जंगली जानवरों से बचाने के लिए फर्म की बड़ी बाड़ की मरम्मत करते हैं। एक भेड़ पालन केंद्र प्रायः कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। इनको छोटे छोटे बाड़ों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक बाड़ों में 2 या 3 हज़ार भेड़ रखती हैं। एक बड़े बाड़े की देख की जिम्मेदारी या चरवाहे की सौंपी जाती है और एक बड़ी घास और पानी खत्म हो जाने पर भेड़ों को कुत्ते की मदद से हाकार दूसरे बड़े में ले जाते हैं। प्रत्येक भेड़ पालन केंद्र एक आत्मनिर्भर गांव की तरह होता है। यहाँ रहने की सभी आधुनिक सुविधाएं होती है। कुएं से पानी निकालने के लिए पवन चक्की लगी होती है। मजदूरों को रहने के लिए छोटे छोटे घर होते हैं। इसके बाद देखिए, भेड़ों से ऊन उतारने के मौसम में लोगों को बहुत काम रहता है। इस अवसर पर कुछ मजदूर भी काम पर लगा लिए जाते हैं। भेड़ों से ऊन उतारने वाले कुशल व्यक्तियों की टोलियाँ एक केंद्र से दूसरे केंद्र में घूमती है। ऊन की छाट
गांठ बना ली जाती है। इन गांठों की बिक्री के लिए बाजार में भेजा दिया जाता है। वहीं से गांठें निर्यात के लिए बंदरगाहों पर लाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया अपनी ऊन के कुल उत्पादन का 90% निर्यात करता है। पशुपालन, ऑस्ट्रेलिया में कुछ पशु दुग्ध, मक्खन और पनीर जैसे दुग्धों के उत्पादकों के लिए पाले जाते हैं। कुछ पशुओं के उनके मांस के लिए पाला जाता है। अच्छा मांस देने वाले क्वींसलैंड तथा उत्तरी क्षेत्र की घास भूमियों पर पाले जाते हैं। दुधारू पशु अधिकतर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाले जाते हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ की घास को उगने के लिए वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। अधिकतर दूध सहकारी कारखानों में ले जाकर उनसे मक्खन और पनीर बनाया जाता है। अगला देखिए, खनिज तथा उद्योग। ऑस्ट्रेलिया में खनिजों के पर्याप्त भंडार हैं। पिछली शताब्दी में सोने की खोज होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए दूसरे देशों से लोग बड़ी संख्या में आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आज काफ़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कोयले और लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैगजीन, टीन के बहुत बड़े भंडार हैं। संसार में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन बॉक्साइट के निर्यात में ऑस्ट्रेलिया का 5वां स्थान है, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में इसकी खपत देश की कारखानों में ही हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क, टीन और मैगनीज बहुत बड़ी मात्रा में निकाले जाते हैं। इन तीनों खनिजों की भारी मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। यह खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के कुछ भंडार हैं। ऑस्ट्रेलिया आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है। इस देश के उद्योगों में लोहा, इस्पात, कृषि संबंधी मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, बिजली का सामान, रसायन, कागज, जलयान, मशीनी उपकरण और परिष्कृत तेल के कारखाने हैं। ऑस्ट्रेलिया और कृषि पशुपालन से प्राप्त कच्चे माल से कई तरह की चीज़ें बनाता है। इनमें से सूती, ऊनी वस्त्र, चीनी, संगणित दुग्ध और चूर्ण, मक्खन, पनीर, डिब्बे में फल और मांस प्राप्त प्रमुख है। इस देश की अधिकतर कारखानों विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स के राज्यों में हैं। मानचित्र के प्रमुख क्षेत्र औद्योगिक केंद्र में जुड़े हैं। जनसंख्या, यह ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के दुगने से अधिक है। इनकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या से बहुत कम है और इसकी जनसंख्या लगभग 1,55,00,000 है। यहाँ की जनसंख्या का औसत घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या वितरण मानचित्र को देखो और मानचित्र से तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ जनसंख्या का वितरण बहुत ही आसमान है। ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि इसका कारण बता सकते हो। इस देश में अधिकतर जनसंख्या पूर्वी तटीय निम्न भूमि तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में केंद्रित है। तुम्हें यह जानकर अचरज होगा कि ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान पशुपालक देश, परंतु देश की अधिकतर लोग नगरों में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 60% लोग केवल 8 नगरों में रहते हैं, जो इस देश की राज्यों की राजधानी है। क्या तुम नगरों के नाम बता सकते हो? व्यापार और यातायात। ऑस्ट्रेलिया के मानचित्रों को देखने पर तुम्हें पता चलेगा कि सभी राज्यों की राजधानी समुद्र तट पर स्थित है। अच्छे बंदरगाह भी हैं। व्यापार के कारण ही सिडनी के मेलबोर्न नगरों को तेजी से विकास हुआ है। ऊन के निर्यात में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है। इसके निर्यात की अन्य मुख्य वस्तुएं हैं गेहूं, दुग्ध उत्पाद, मांस, मशीनें तथा खनिज आयात की वस्तुएं। मशीनें यातायात की उपस्कर, वस्त्र, तेल इसके उत्पाद हैं। ऑस्ट्रेलिया में यातायात का मुख्य साधन रेल है। मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया के रेल मार्गों को ध्यान से देखो। तुम्हें किस बात से ज्ञात होता है कि इस महाद्वीप का मात्र एक अंतर महाद्वीपीय रेलमार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है। यह रेलमार्ग सिडनी पार्ट को मिलता है और इस रेलमार्ग में कौन कौन से अन्य प्रमुख नगर हैं? इसकी कुल लंबाई 4,000 किलोमीटर है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि लंबी यात्रा को पूरा करने में कई दिन लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राज्यों की सभी राजधानियाँ और मुख्य नगर एक दूसरे चर्ची सड़कों द्वारा जुड़े रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है। ये भारत के राष्ट्रीय महामार्गों के समान है। प्रायः सभी सड़कें रेलमार्ग इस समांतर ही बनी रहती है। ऑस्ट्रेलिया लंबी दूरियों का महाद्वीप है। यहाँ सुदूरवर्ती भेड़ पालन, कृषि, बस्तियों, इधर उधर चितरी नगरों में पहुंचने के लिए वायु परिवहन का अपना विशेष महत्व है। यात्रियों तथा सामान ढोने के लिए वायुयान को खूब उपयोग होता है। ऑस्ट्रेलिया तथा संसार के प्रमुख देशों के बीच नियमित वायु सेवाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया की वायु परिवहन की दिलचस्प बात यह कि वायुयानों को चिकित्सायान के रूप में उपयोग। देश में सभी बस्तियों के लिए अलग अलग डॉक्टर रखना संभव नहीं है, क्योंकि ये बस्तियाँ न केवल छोटी हैं अपितु बहुत बिखरी हुई हैं। अतः प्रत्येक राज्य में चिकित्साओं के हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। आवश्यकता होने पर यहाँ से डॉक्टरों को तुरंत वायुवान बस्तियों में भेज दिया जाता है। इस सेवा को अधिक सुगम तथा लाभदायक बनाने के लिए प्रत्येक भेड़ पालन केंद्र का बेतार यंत्र दिए गए हैं। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सभी प्रमुख बंदरगाह शेर की अन्य प्रमुख बंदरगाहों से समुद्री मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ तट के साथ साथ आने जाने वाले जलयानों का भी बहुत महत्व है। देश के प्रमुख बंदरगाहों के बीच जहाज नियमित रूप से आते जाते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है। यह न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है।
देश का अधिकतर सामान यहीं से निर्यात किया जाता है। यह देश के सभी प्रमुख नगरों में रेल मार्गों सड़कों द्वारा जुड़ा रहता है। मेलबोर्न, पर्थ अन्य प्रमुख नगर है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है अंटार्कटिक। तो देखिए, अंटार्कटिक संसार का पांचवा बड़ा महाद्वीप है, लेकिन संसार में यही अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां कोई व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रह सकता है। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि ऐसा क्यों? इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर बर्फ की मोटी परत सदैव पर जमी रहती है। यहाँ अत्यंत ठंडी पड़ती है, तीज हवा चलती है। तुम इस महाद्वीप में कैसे प्राकृतिक वनस्पति और किन वन्य प्राणियों की होने की आशंका करते हो? इसी शताब्दी के प्रारंभ में संसार के कई देशों के लोगों ने इस महाद्वीप को खोजबीन शुरू कर दिया है। कुछ देशों ने आर्कटिक में अपनी स्थायी केंद्र बनाए रखे हैं। वैज्ञानिकों ने इन केंद्रों में पूरे वर्ष रहकर वैज्ञानिक खोज कार्य करते हैं। भारत ने यहाँ अपना एक आधार शिविर बना रखा है। ये लोग ऐसी जलवायु में कैसे रह पाते हैं, इस महाद्वीप का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, अगले पृष्ठ में इस बात की जानकारी मिलेगी। अगला देखिए दोस्तों, यहां पर है कि श्वेत महाद्वीप आर्कटिक। आर्कटिक पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव इसके लगभग केंद्र में है। आकार में यह पांचवां बड़ा महाद्वीप है, लेकिन संसार की अकेला महाद्वीप है जो सदा बर्फ से ढका रहता है। इसलिए इस श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यह सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप है। परिणाम स्वरूप मनुष्य यहीं स्थायी रूप से नहीं रह सकता है। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज सन 1820 में हुई थी, परंतु वास्तविक खोज का कार्य 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसलिए एक लंबे समय तक लोगों को इसके बारे में, तो देखिए दोस्तों, श्वेत महाद्वीप कहते हैं सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप है। परिणाम स्वरूप मनुष्य यहाँ का स्थायी रूप नहीं रह सकता है। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज सन 1820 में हुई थी, परंतु वास्तविक खोज कार्य 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसलिए एक लंबे समय तक लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में विभिन्न देशों के सैकड़ों अन्वेषक और वैज्ञानिक आर्कटिक हो आए हैं। भारत ने भी वैज्ञानिक के कुछ दल इस महाद्वीप की वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भेजे हैं। हमारे वैज्ञानिक ने खोज कार्यों के लिए अंटार्कटिक दक्षिणी गंगोत्री के नाम से एक स्थायी आधार शिविर बना लिया गया है। संसार के कई देशों ने यहाँ इस प्रकार का निरीक्षण केंद्र बनाए हैं। इन निरीक्षण केंद्रों में वैज्ञानिक आर्कटिक की भूमि वायुमंडल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि आर्कटिक का मौसम संसार के दूसरे भागों के मौसम को प्रभावित करता है। यहाँ देखिए भूमि और जलवायु। आर्कटिक का लगभग 98% भूभाग सदी बर्फ से ढका रहता है। इस बर्फ की औसत मोटाई अनुमानतः 2 से 5 किलोमीटर तक है। आर्कटिक का अधिकतर भाग ऊबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। यहाँ का समुद्र तट खड़े ढाल वाला है। यहाँ तटीय मैदानी नाम मात्र को भी नहीं है। यहाँ इदुक्की दुक्की वनस्पति रहित घटियाँ हैं जिसमें 30 से अधिक चलती रहती हैं। क्वी मिड माट पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस महाद्वीप का एक अनोखा भूचिन्ह है। यहाँ का एबोर्स शिखर है जो यहाँ का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। पाल्मर प्रायद्वीप एक ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है। ऐसा प्रायद्वीप में वनस्पति अन्य भागों की तुलना में अधिक है, वह भी नाम मात्र के हैं। लाइकेन और मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। इस बर्फीली महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम दक्षिणी महासागर या एक ठंड महासागर है। इस महासागर की ऊपरी जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर है। संसार में सबसे कम तापमान -95°C है। इस महाद्वीप में स्थित दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु में अंकित किया गया था। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। आर्कटिक की ग्रीष्म ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। इस अवधि में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। इस महाद्वीप में शीत ऋतु में मई जून जुलाई अगस्त में होती है। इस अवधि में सूर्योदय नहीं होता है। वर्ष भर तेज पवने चलती है। महाद्वीप के केंद्रीय भाग में वायु अपेक्षाकृत शांत रहती है। साधन उनका उपयोग, ऐसा विश्वास है कि आर्कटिक के गर्भ में मूल्यवान खनिजों के भंडार छिपे हुए हैं, लेकिन इन विचारों की पुष्टि के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। अभी वैज्ञानिकों की ऐसी तकनीकी का विकास नहीं कर पाए हैं जिससे बर्फ की मोटी तह के नीचे दबी खनिजों का पता लगा सके। अभी तो वैज्ञानिकों को अपने खोज कार्यों के लिए खुले में जाकर बर्फ झांझावत का सामना शास्त्रापूर्व करना पड़ेगा। कोयले और लायक्स तांबे के थोड़े बहुत भंडार का पता चला है, लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण व्यापारिक स्तरों पर इन खनिजों का उपयोग अभी शुरू नहीं हो पाया है। संसार के मीठे पानी के 70% भंडार इसी महाद्वीप की बर्फ छत्रक तथा बर्फ चादरों से संचित है। अटलांटिक की बर्फ छत्रकों से बर्फ की बड़े बड़े खंड टूटकर समुद्र में तैरते रहते हैं। इन्हें हिमशैल कहते हैं। तुम्हें यह जानकर शायद अचंभा होगा कि इन विशालकाय हिमशैलों को
खींचकर सऊदी अरब या ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल तटों पर ले जाने की बात सोची गई है, जिसमें मरुस्थलों में मीठे पानी की कमी को पूरा किया जा सका है। तकनीकी दृष्टि से तो यह संभव है, लेकिन यह बहुत ही महंगा और सौदा है। अगला, आर्कटिक का अधिकतर भूभाग बंजर और बहुत ठंडा मरुस्थल है। यहाँ की थोड़ी सी वनस्पति में पर बहुत कम जीव जंतु अपना गुजारा कर सकते हैं। अगला देखिए, लेकिन यह सागरों में जीवों की बहुत याता है। पेंगुइन, समुद्री पक्षी, सील यहाँ बड़ी संख्या में है। सागरों में वेल में पाई जाती वेल के शिकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये प्रतिबंध वेलों की प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए लगाए गए हैं। क्रिल एकमात्र ऐसा साधन है जिसके विकास की संभावना। क्रिल एक बहुत ही छोटी मछली है। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तक, वजन 1 ग्राम से लेकर 105 ग्राम तक होता है। क्रिल झुंडों में रहते हैं जिनका विस्तार 100 मीटर या उससे अधिक तक होता है। क्रिल से कई उत्पाद बनते हैं जैसे मांस, क्रिल पेस्ट तथा क्रिल प्रोटीन। आर्कटिक आकारों में बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से लगभग नहीं देख सकते हैं, परंतु यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने में अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसी विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। वैज्ञानिकों ने आर्कटिक निरीक्षण केंद्रों में रहने के लिए अच्छा वातावरण बना लिया। यहाँ विशेष प्रकार की स्थायी आवास गृह बनाए गए हैं। ये आवास गृह यहाँ की कठोर जलवायु, भयंकर झंझावत का मुकाबला करके टिके रह सकते हैं। विद्युत जनित्र के द्वारा बिजली बनाई जाती है। विशेष प्रकार के वस्त्र, डिब्बे, बंद खाद्य पदार्थ, स्टोव और विशेष प्रकार की मोटर गाड़ियाँ वायुयानों द्वारा इस महाद्वीप के निरीक्षण केंद्रों में लाई जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।